बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुल्फ़िकार शवाहला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबर। हैदराबाद दिकन के ग्राउंड स्टाफ को बाबर आजम ने शर्ट तोहफे में दे दी। आईसीसी वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ शानदार फतह के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैदराबाद दिकन के ग्राउंड स्टाफ के साथ गुल मिल गए। समाजी रबते की साइट ट्विटर एक्स पर कौमी क्रिकेट टीम खिलाड़ियों ने स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ के हमराह तस्वीर बनवाई, जबकि कप्तान बाबर आजम ने अपनी जर्सी भी तोहफे में दी। आईसीसी ने कौमी टीम के खिलाड़ियों को ग्राउंड स्टाफ के साथ गुजारे लम्हात की वीडियो भी शेयर की, जिसको मुदाहों की जानब से खूब सराहा जा रहा है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नई तारीख रकम कर दी। गुजरात रोड राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान रिकॉर्ड साथ जीत दर्ज की थी। इस मैच में आईलैंड ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 344 रन बनाए। अदर के तौक में कौमी टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 48 ओवर में 345 रन का पहाड़ जैसा टारगेट हासिल कर लिया। अब्दुल अशफीक ने 113 जबकि मोहम्मद रजवान 131 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वाज़ेह रखे कौमी टीम अयोध्या में अपना अगला मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ 14 अक्टूबर अहमदाबाद में खेलेगी।